हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब हम पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंडर रजिस्ट्रेशन करते हैं सीएससी के थ्रू, आधार नंबर और फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन करने के बाद हमारे पास इस तरह से पेज ओपन होकर के आता है, जहां पर हमें पर्सनल डिटेल्स के साथ साथ यहां पर हमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने को मिलता है। लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिनों से सर्वर इशू होने की वजह से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस डिस्ट्रिक्ट को कैसे इंस्पेक्ट टूल की मदद से सेलेक्ट कर सकते हैं जब तक ये सर्वर इशू रिजॉल्व नहीं होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आधार नंबर और फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन करने के बाद जब हमारे पास ये पेज ओपन होकर के आता है, यहाँ पर हमने जो बाकी चीजें हैं वो सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि कैटेगरी है, उसके बाद दिव्यांग है, उसके बाद आर यू डूइंग बिजनेस इन सैम स्टेट। ये सब चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद जब हम इस पे पहुँचते हैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने पे, तो यहाँ पर अभी जो फ़िलहाल है ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर लेना है, या फिर आपने सिंपल जो है माउस का राइट बटन क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इंस्पेक्ट, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास इस तरह से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर जो आपको एलिमेंट सेलेक्ट करने का एक एरो सा मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है या फिर कंट्रोल शिफ्ट सी भी आप प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपल जो है डिस्ट्रिक्ट पे आकर लेफ्ट क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके पास इस तरह से ये सेलेक्ट किया हुआ मिल जाएगा, यहाँ पर आपने इस एरो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास जो होगा पॉइंटर इवेंट्स, यहाँ पर आपने डबल क्लिक कर लेना है। उसके बाद एज पर आधार आपका जो स्टेट है वो ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, यहाँ पर जो है आपने डिस्ट्रिक्ट नेम फिल कर लेना है कैपिटल वर्ड्स में, यानी कैप्स लॉक ऑन करके। यहाँ पर जो पॉइंटर इवेंट्स है यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट नेम लिख लेना है। उसके बाद सिंपल आपने इंटर कर लेना है। इंटर कर लेने के बाद यहाँ पर आप इसको क्रॉस कर लेंगे और यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट पे आ जाएंगे और अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे।